एवरीवन, वेलकम टू फिजियो एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे एम्स पटना में फिजियोथेरेपी वैकेंसी के बारे में। जैसे लास्ट वीडियो में देखा था कि एम्स दिल्ली फिजियोथेरेपी वैकेंसी के पी फॉर्म आ चुके हैं, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाके वो पहले देख लीजिए। तो आज हम बात करेंगे एम्स पटना में फिजियोथेरेपी वैकेंसी की, ठीक है। कि ये रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन 26 अप्रैल 2023 को एम्स पटना की ओर से। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर फिलिंग अप ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ए बी एंड सी पोस्ट एट एम्स पटना। अब देख सकते हैं बहुत सारी पोस्ट हैं, सुपरिटेंडेंट की, डाइटिशियन की, सोशल वर्कर, योगा इंस्ट्रक्टर, डाइटिशियन। ये देखिए, ये दोनों 26 और 27 दोनों हैं वो फिजियोथेरेपी पोस्ट के लिए है। सबसे पहले देखते हैं नंबर 26, ओके, मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर फिजियोथेरापिस्ट, ओके। यहाँ पे पे मैट्रिक्स है वो लेवल 6 का है, मतलब आपकी सैलरी होगी वो बिटवीन 35,000 से लेके 112,000 के बीच में रहेगी, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस पोस्ट के लिए, तो बैचलर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विथ 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए प्लस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर पोस्ट है, तो डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन विथ 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, ओके, एंड रजिस्टर्ड विद द फिजियोथेरेपी काउंसिल होना चाहिए। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये ग्रुप बी के अंडर में है, ठीक है। आपकी एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मतलब आपकी एज है वो बिटवीन 21 से लेकर 30 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए, ओके। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पोस्ट है यूआर कैटेगरी के लिए। एंड यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो थ्रू सीबीटी टेस्ट होगा। अब देखते हैं 27 नंबर। सो यह इस पोस्ट का नाम है फिजियोथेरापिस्ट के लिए पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स है वो लेवल 6 का है, मतलब कि सैलरी होगी बिटवीन 35,000 से लेके 112,000 तक। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो 10+2 इन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। सेकेंड क्राइटेरिया वो है आपको बैचलर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, प्लस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रजिस्टर्ड विद द फिजियोथेरेपी काउंसिल, ठीक है। ये 3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप बी के अंडर में आते हैं, ठीक है। एज क्राइटेरिया क्या है, तो बिटवीन 21 to 30 ईयर्स ऑफ कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ टोटल 2 पोस्ट दी गई है, यूआर कैटेगरी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। और यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो थ्रू सीबीटी टेस्ट होगा, ठीक है। तो दोनों वैकेंसी 26 और 27 के लिए दोनों सीबीटी टेस्ट इज रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए भी पोस्ट है, ठीक है। ये सारी अदर पोस्ट है, फार्मासिस्ट, फार्माकेमिस्ट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सोशल वर्कर, बहुत सारी वैकेंसी है अदर पोस्ट के लिए। ओके, तो देखते हैं इसकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है। तो आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ओके। इनकी वेबसाइट aimspatna.edu.in पे आपको अप्लाई करना है। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन एम्स पटना ऑफिशियल वेबसाइट www.aimspatna.edu.in इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ओके। ये द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी ऑन 13th डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार, ओके। जब भी इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन वो खुल जाएंगी, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। 30 दिनों तक ये आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट देयर फोटो सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन, ओके, आपको तीन चीज़ें, फोटो सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन आर एज पर द गाइडलाइंस मेंशन इन द अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन गिवन इन द जनरल लिंक एंड आर क्लियरली विजिबल इन द प्रीव्यू एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन द ऑनलाइन मोड, ओके। आप पहले इसके सारे इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन होंगे वो अपलोड करने होंगे। अब एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपीज़ है, एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 2,400 रुपीज़ है। एज रिलैक्सेशन है, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स है, एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स है। तो आपका इस पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम कब रहेगा, तो डेट ऑफ ऑनलाइन सीबीटी मोड एग्जामिनेशन और इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन ओनली वेबसाइट ऑफ एम्स पटना, ओके। वो अपनी वेबसाइट पे रिलीज करेंगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन। द नेक्स्ट इज आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो आपको इनके एडमिट कार्ड होंगे वो इनकी वेबसाइट पर से डाउनलोड करने होंगे, www.aimspatna.edu.in पे। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट। अब हम देखते हैं कि ये आप इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और आप ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन गूगल आपको एम्स पटना पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस, ओके, ये सारी होगी वो वैकेंसी है। अब ये देख ली, ये सेकंड नंबर, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर फिलिंग अ फॉलोइंग ग्रुप ए बी एंड सी पोस्ट एट एम्स पटना, ओके। वहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। ये देखिए ऑफिशियल पीडीएफ आ गया। याद रखिए दो वैकेंसी है, नंबर 26 एंड 27 दोनों फिजियोथेरेपिस्ट पोस्ट के लिए है, ओके। फर्स्ट में एक ही पोस्ट है और सेकंड 27 नंबर में आपकी दो पोस्ट रहेगी फिजियोथेरेपी पोस्ट के लिए, ठीक है। अब देखते हैं आप इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वापस से हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए स्टार्ट डेट लाइकली इन द लास्ट वीक ऑफ मे, ओके। मे के लास्ट वीक में आप इसके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी मे के लास्ट वीक में, और इसके लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की वो है 13th डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ओके। और यह आप देख सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई, जैसे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, और वहाँ से आप क्लिक करने के बाद आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मई के लास्ट वीक में इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। तभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फिलअप होना, जब भी इसके फॉर्म आ गए तभी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी के लिए अगर आपको दिल्ली एम्स वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। इस वैकेंसी के लिए जब भी फॉर्म आएंगे तभी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू।